रजिस्टर्ड विल क्या है, नोटराइज विल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता, ये होते क्या है ये भी नहीं पता। ये जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। मेरा नाम एडवोकेट तरुण छाबड़ एंड आई वेलकम यू ऑल। पहले मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर्ड विल के बारे में। रजिस्टर्ड विल जो होती है गवर्नमेंट के डाटाबेस में सेफ रहती है। ये आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर करते हैं, वहाँ पे आपके साइन होते हैं, वहाँ विटनेसेस के साइन भी होते हैं और जो बेनिफिशियरी हैं उनके भी साइन होते हैं। रजिस्टर्ड विल में प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भरी जाती है। रजिस्टर्ड विल का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यह डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, बिकॉज एक डाटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सेव है और दूसरा आप जहाँ मर्जी अपने पास रखना चाहें और एक बेनिफिशियरी को देना चाहें दे सकते हैं। और दूसरी जगह आती है नोटराइज्ड विल। नोटराइज्ड विल एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में होती है, ये नोटरी के पास साइन की जाती है, ये टियर भी करी जा सकती है। जी हाँ, अगर इसको आपने संभाल के नहीं रखा तो शायद इसका मिसयूज़ भी हो सकता है या इसको कोई टियर भी कर सकता है। लोग अक्सर यही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कौन सी करें, ये जानने के बावजूद भी। बट मेरा ये मानना है कि नोटराइज्ड विल की जगह रजिस्टर्ड विल ज़्यादा सक्सेसफुल है। यहाँ सेफ साइड एक बनी रहती है कि गवर्नमेंट के पास आपके विल सेफ है। कल को अगर कोई कोर्ट में उसको लेके भी जाता है तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक डाटाबेस है जहाँ से वो देख सकते हैं। आप ये ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके काम आए और आपको कोई और क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।